नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस शेयर के बारे में। ये शेयर केवल इसी जो है शेयर होल्डर के लिए है, इनके ही शेयर होल्डर के लिए है। वर्टोज एडवर्टाइजिंग लिमिटेड इसका पूरा तो नाम है, लेकिन यहाँ पे वर्टोज ही लिख रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो वर्टोज ही लिख रहा है, ठीक है ना, नाम इसका वर्टोज, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो है कई दिन से लगातार गिरावट रही है, लगातार लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लिख रहा है, लगा रहा है, और ये मेरे सर्चिंग में आ गया है। अब देखिए, यहाँ पे इसमें करना क्या है, देखिए इनके शेयर होल्डर हो तो ये वीडियो तो आपको देखना ही देखना है ज़रूरी, और आगे भी इस चैनल की वीडियो आपको देखनी है, ताकि इसके आप जो है कुछ शेयर बेच के खरीद के जो है दूसरे शेयर में शिफ्ट कर पाओ, क्योंकि अभी थोड़ा सा इसमें जो है वो दिक्कत है, जैसा कि देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। अगर लोअर सर्किट पे देखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन फिर भी 7 लाख 8 लाख क्वांटिटी लगी हुई है, तो आसानी से सर्किट छूट भी रहा है, ऐसा नहीं कि सर्किट नहीं छूट रहा है। इसमें न्यूज़ में अभी ढूंढ रहा था, कोई खास न्यूज़ नहीं है। 7 अक्टूबर 2024 की एक खबर आई थी, जिसमें यहाँ पे बताया गया था कि इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उनके तरफ से जो है वेरिफिकेशन आता है, जो हर बार क्वार्टर रिजल्ट आने से पहले, कि सारे इक्विटी शेयर जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं, कहीं पे भी इक्विटी शेयर इशू किया गया है या फिर नहीं किया गया है, कहीं लिस्ट कराने वाला है शेयर ऐसे वैसे, उसका यहाँ पे अपडेट आता है, हर कंपनी के रजिस्ट्रार की तरफ से आता है। बाकी 6 अक्टूबर के बाद का यहाँ पे कोई भी अपडेट निकल के नहीं सामने आ रहा है। कल भी इसमें बड़ा बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था, अगर कल की मैं देख रहा हूँ तो कल इसमें जो है लगभग 4 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ था, उसके पहले 1 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ था, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो 4 लाख 5 लाख इस तरह से इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ था, और उसके पहले अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 9 9 करोड़ 8 8 करोड़ 5 5 करोड़ इक्विटी शेयर भी ट्रेड हुआ था, जब इसमें एक बड़ा सा तेजी आई थी, बड़ा सा तेजी नहीं, एक रिकवरी आई थी, उसको मैं बताऊंगा, और उसी रिकवरी के बाद इसमें जो है पैनिक गिरावट आ रही है। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या था कि देखिए यहाँ पे, हाँ, एक बार कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट और बोनस भी कुछ दिया था, और ये मैं आपको बताया भी था, यहाँ पे देखिए ये वाले लेवल पे कंपनी ने बोनस और स्प्लिट दोनों दिया था। उस समय मैं अपने दूसरे वाले चैनल SSA स्टॉक मार्केट पे इसकी वीडियो बनाता था, लगभग वही जुलाई के आसपास, 5 जुलाई के आसपास इसने बोनस और स्टॉक स्प्लिट दोनों दिया था, उसका डाटा नीचे दिख जाएगा हम लोगों को। स्प्लिट कंपनी ने 1:10 के रेशियो में दिया था, एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा, तो टोटल 10 शेयर, और उसके बाद 1:1 का इसने बोनस भी दिया था, मतलब हर एक शेयर के बदले में टोटल 20 शेयर इस कंपनी ने दिए थे, इस वजह से इसका प्राइस भी एडजस्ट हो गया है, और उसकी वजह से हो सकता है कि गिरावट देखने के लिए मिल रही है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, उस समय 400 के आसपास इसका प्राइस ट्रेड कर रहा होगा, ठीक है ना, 400 से भी ज़्यादा। अब देखिए इसमें कंटिन्यू गिरावट आ रही है, अभी मैं इसका फंडामेंटल थोड़ा सा देख रहा था, फंडामेंटल में देखिए मतलब उतना ज़्यादा कोई बहुत बढ़िया फंडामेंटल भी नहीं है, और बहुत बेकार भी फंडामेंटल नहीं है, जिस तरह से 20 रुपये वाला शेयर है, छोटा सा मार्केट कैप इसका है, तो उस हिसाब से बहुत मतलब बढ़िया भी नहीं है, क्योंकि 1800 करोड़ का मार्केट कैप है, 96 के PE पे ट्रेड करे, तो PE रेशियो यही हो गया, बुक वैल्यू 1 रुपया 80 पैसे है, जबकि प्राइस 21 रुपये, तो इसमें भी थोड़ा सा 10 के PE रेशियो पर मिला, थोड़ा सा बुक वैल्यू भी इसका जो है कम है, ROC ROE भी 13% के आसपास, चलिए उसको हम नॉर्मल मान लेंगे, अर्निंग पर शेयर 44 पैसे कम है, डेट की बात करेंगे तो 17 करोड़ का है, जो कि ठीक ठाक कम डेट है, रिजर्व 112 करोड़ का, ये बढ़िया चीज़ है, तो डेट और रिजर्व ये दो कंडीशन में बढ़िया है, लेकिन FII की होल्डिंग चेंज देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे 11 साढ़े 11% FII की होल्डिंग चेंज हुई है पिछले क्वार्टर में, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 64% है, प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो इसका ऑपरेटिव प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो बढ़िया है, 3 साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो, 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो, इस साल का सेल्स ग्रोथ रेशियो, इस साल का प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो अगर हम लोग देखेंगे तो ये चारों फिगर जो है हम लोगों को अच्छे देखने के लिए मिले और बहुत बढ़िया देखने के लिए मिले। अब यहाँ पे इन्वेस्टर में FIIs में अगर हम लोग जाएंगे तो FIIs में यहाँ पे होल्डिंग कुछ यहाँ पे नहीं चेंज दिख रही है, कि यहाँ पे पहले 11% थी, फिर से 11% हुई, हालांकि यहाँ पे 23% से देखेंगे हम लोग तो जून वाले क्वार्टर में 11% घट गई थी, अभी जो आया है केवल जुलाई का आया है, सितंबर का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा नहीं आया है, और इस वजह से, और अब जो ये बड़ी गिरावट हो रही है तो हो सकता है कि अब इस वाले क्वार्टर में भी FII की होल्डिंग चेंज हो जाए, तो कई सारे कारण की वजह से मेरे हिसाब से इसमें गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। अब यहाँ पे दिया था ये जो है जुलाई में, यहाँ पे ये वाले हाई के आसपास इसने दिया था बोनस, मैं उसी समय आपको बताया था कि ये एक लाइन दो कर लीजिए 30 रुपया, और इसके नीचे जाता है तो सेल करिए,
30 रुपये के नीचे एक बार आया था, उसके बाद फिर से एक छोटा सा रिकवरी दिखाई है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिला, जो 8 करोड़ 9 करोड़ बता रहा हूँ, और उसी के बाद इसमें गिरावट हुई है। देखिए अब क्या करना है उस पर बात करेंगे। देखिए अभी लोअर सर्किल लगा रहा था, अभी अभी देखिए वीडियो बनाते बनाते यहाँ पे अपर सर्किल लग गया है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वांटिटी यहाँ से आप बेच भी सकते हो, क्योंकि अभी मैं वीकली चार्ट इसका देख रहा था। यहाँ पे देखिए आप लोग बोलोगे कि नहीं ऐसा, देखिए यहाँ पे मैं सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ पे फिबोनाची में एक ड्रॉ किया था पीछे के लेवल से, और यहाँ पे एक जो है इसका बन रहा है पहले का रेजिस्टेंस बन रहा है, जो अब का सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। देखिए फ्लैट हो गया है। तो देखिए आपके पास अगर इसकी होल्डिंग है, बहुत ज़्यादा अगर होल्डिंग है, 50% शेयर बेच दीजिए। और वहीं बोलने भी वाला था आप लोगों को कि बेचोगे तो बिक जाएगा 1-2 दिन के अंदर, और बोल ही रहा था ना कि अभी सर्किट इसका छूट रहा है, 3-3 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हो रहा है, तो हो गया और आपके सामने छूट भी गया है, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो 3-4 दिन से इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, तो बिक जाएगा कुल मिला के, और बिक रहा भी है, तो सीधा दिख भी रहा है। तो यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो, लेकिन कुछ क्वांटिटी आप लोग यहाँ पे बेच दीजिएगा। हालांकि यहाँ से रिकवरी आने की संभावना है, एक बार ये वाला लेवल ब्रेक कर दिया, ऊपर वाला लेवल कितने पे आ रहा है 25 रुपये, तो 25 रुपये पे भी एक यहाँ पे लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे। 25 रुपये का अगर ये रेजिस्टेंस सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है तो फिर इसमें एक बड़ी रिकवरी आएगी, नहीं तो फिर से 25 रुपये का रिटेस्ट। देखिए अब 1.5% तक की तेजी आ गई। तो इस तरह से यहाँ पे है 25 रुपये, इसमें रेजिस्टेंस मान के चलिए 25 रुपये का लेवल ब्रेक कर देता है तब तो इसमें बड़ी तेजी आएगी, नहीं तो यहाँ से गिरावट, और अगर ये वाला 21 रुपये वाला लेवल नहीं जब ब्रेक होता है तो और बड़ी गिरावट भी आ सकती है। फिलहाल में भी इसमें होल्ड करने का रहेगा। देखिए अब 2% की तेजी आ गई, जबरदस्त, मतलब वीडियो बनाने का असर देखिए। तो इस तरह से है, बाकी आप इसमें से कुछ क्वांटिटी बेचिए। मैं आगे इस चैनल पे कई सारे वीडियो बनाता रहता हूँ, और उन सभी वीडियो को देखिएगा, किसी न किसी में मैं बताऊँगा कि यहाँ पे इस शेयर में एंट्री हो सकती है, इस तरह से उसमें आप थोड़ा सा पैसा शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा विश्वासी है नहीं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, ठीक है ना सभी लोग।